योर मम्मा व्लॉग। तो गाइस, जैसे कि मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर किया था कि हम लोग गए दिल्ली, दिल्ली से मैंने अपना ये हेयर ट्रांसफॉर्मेशन कराया है। तो बहुत सारी रिसर्च मैंने की थी, जहाँ से मुझे एक सैलून का फाइनली एड्रेस मिला था जिसके मैंने रिव्यूज़ अच्छे सुने थे। तो हम पहुँचे खुश सिडाना सैलून, वहाँ पर मैंने सारी जानकारी ली। वहाँ पर मैंने पता किया कि एक्चुअल में मेरे हेयर की क्या प्रॉब्लम है, मुझे क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए, उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो जैसे आपके माइंड में क्वेश्चन है ना कि आखिर मैंने कौन सा ट्रीटमेंट लिया है, जब मैं और लेडीज़ को देखती थी तो मेरे माइंड में भी बहुत ज़्यादा आता था कि यार कौन सा आखिर ट्रीटमेंट लिया है कि बाल इतने शाइनी मैनेजेबल लग रहे हैं। क्योंकि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम थी ना, एक तो बेबी हेयर की प्रॉब्लम थी मेरे को, मतलब जो छोटे छोटे से हेयर होते हैं ना, फ्रिजीनेस, वो मेरे को बहुत ज़्यादा थी। पीछे से चोटी करती थी तो उसमें भी ऐसे गोल गोल से घूम कर आते थे, वो इतने गंदे लगते थे ना। इसी वजह से मैंने मतलब ये डिसीजन लिया था कि हाँ, मुझे अपना हेयर ट्रांसफॉर्मेशन कराना है। लेकिन जब वहाँ सैलून में पहुँचे तो उसके जो प्राइस थे वो सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। आई कांट टेल यू कि मतलब कितने ज़्यादा ओवर प्राइस्ड चीज़ें हैं ये। मतलब आप देखोगे कि हाँ यार, उसने वो करवाया हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन, उसने कलर्स करवाए हैं, उसने हाइलाइट्स करवाए हैं, हम भी करवाएंगे। लेकिन जब आप करवाने पहुँचते हो ना यार, इतने ज़्यादा प्राइस थे ना, आई कॉन्ट टेल यू। और जिसमें मेरे हस्बैंड का रिएक्शन ये था जब उसने मेरे को प्राइस बोले, तो मेरे हस्बैंड का था कि चुपचाप होकर जो कराने आई हो वो करा लो, मेरा दिमाग मत ख़राब करो कि मुझे नहीं कराना है। एक तो हरियाणा से दिल्ली लेकर आई हो और फिर बोल रही हूँ कि अब मेरे को नहीं करवाना है। तो मैं वहाँ पर ये भी थी कि यार मतलब आए भी इतनी दूर से, फिर जब सब चीज़ें पूछी मैंने तो भाई वो तो बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइस लगा मेरे को। बाकी आप आगे देखिएगा वीडियो को और मुझे बताइए कि क्या यही प्राइस होते हैं या मेरे को उसने ज़्यादा बताया। फिर उसके बाद हम एक और सैलून गए, दैट इज़ हेयर मास्टर सैलून। वहाँ पर भी मैंने सारी इन्फॉर्मेशन बटोरी, क्योंकि मेरी तो आदत है ना कि एक जगह से तो मेरे को सेटिस्फेक्शन होता ही नहीं है, दो तीन जगह जब तक मैं पूछ ना लूँ, सारी रिसर्च कर ना लूँ, जो सब उसका कॉन्क्लूजन निकलता है, फिर उसके बाद ही मैं वहाँ पहुँची। तो इन दोनों में से किसी एक को मैंने फाइनल किया। किसको फाइनल किया वो आपको आगे ब्लॉग में पता चलेगा, क्या क्या ट्रीटमेंट्स होते हैं, किसके क्या क्या चार्जेस होते हैं, वो भी आपको आगे इस वीडियो में पता चलेगा। यार इतने कॉस्टली है ना, मतलब ये मेरी सोच से परे था। लेकिन यस, एक बहुत बड़ा सपना जो मेरा बचपन का था, जब मैं देखती थी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को या फिर बड़े बड़े लोगों को कि यार इतने हाई फाई सैलून में जा रहे हैं, उसमें जाकर हेड वॉश ले रहे हैं, वो सपना मेरा पूरा हो गया जो मेरे पतिदेव ने पूरा कराया। पतिदेव के अलावा ये सपना आपका कोई नहीं पूरा करा सकता। तो आई एम सेटिस्फाइड, कम्प्लीटली सेटिस्फाइड। मतलब मुझे अपना ये हेयर ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके हेयर ट्रांसफॉर्मेशन कराने के बाद क्या क्या चीज़ आपको फॉलो करनी होती है, उसके बाद के क्या खर्चे होते हैं, वो मैं आपसे किसी और ब्लॉग में शेयर करूँगी, क्योंकि ये ब्लॉग ऑलरेडी बहुत लंबा हो जाएगा। तो वो मैं आपसे अपकमिंग ब्लॉग में शेयर करूँगी कि आफ्टर ट्रीटमेंट आपको और क्या ट्रीटमेंट्स लेने होते हैं, क्योंकि बात केवल यहीं पर ही ख़त्म नहीं होती है मेरे दोस्त। बहुत बड़ी स्टोरी है हेयर ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे, जो मेरे को भी ये सब करवाने के बाद ही पता चली है। तो मैं आपके साथ सब चीज़ें शेयर करूँगी ताकि आप अपना एक ओवरऑल बजट बना पाओ कि हाँ भाई, अगर आप सोच रहे हो ना कि हेयर ट्रांसफॉर्मेशन कराना है तो पहले अपना बजट प्रिपेयर कर लेना, उसके बाद ही करवाना। अगर लोकल जगह से करा लिया तो और भी ज़्यादा खर्चे आते हैं। सो सब चीज़ें डिस्कस होंगी धीरे धीरे हर ब्लॉग में। सो कॉन्टिन्यूस रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए जो लोग सोच रहे हैं हेयर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। एंड येस, आई एम वेरी मच श्योर गाइज कि आज के समय में हर दूसरा बंदा यही सोच रहा है, क्योंकि हर दूसरे बंदे को जब आप देखते हो ना कि वो इतना स्टाइलिश दिख रहा है तो आपका भी मन कर ही जाएगा। तो ऐसे कुछ मेरे साथ हुआ, इसलिए करवाया मैंने। अब चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि कहाँ कहाँ हम पहुँचे और क्या मेरा रिजल्ट रहा। तो गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पर खुश सिडाना सैलून। ये है दिल्ली पीतामपुरा में। यहाँ का मैंने एड्रेस पहले से लिया हुआ था, कुछ रिसर्च की थी, कुछ मैंने अपने फ्रेंड्स से पता किया था, तभी मैं सैलून पहुंची थी। फिर जो अपॉइंटमेंट मैंने जिनसे लिया था वो इस टाइम अवेलेबल नहीं थे, लेकिन जो हेयर एक्सपर्ट थे इन्होंने मुझसे सब कुछ डिस्कशन किया, मेरे बालों की क्वालिटी देखी, मुझसे पूछा कि आपने इससे पहले कोई ट्रीटमेंट लिया है या नहीं लिया है, दूसरा कि आपने हेना कब अप्लाई किया था, और अगर आप कोई ट्रीटमेंट ले लेते हो तो उसके बाद आप हेना ट्राई नहीं कर सकते हो,
मीन्स आपको अपने बालों में हेना नहीं लगाना है, अदरवाइज आपका ट्रीटमेंट ख़राब हो जाएगा। ये सब कुछ उन्होंने मेरे को बताया। फिर उसके बाद डिस्कशन ये हुआ कि भाई आप अपने हेयर में कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहते हो, लाइक स्मूदनिंग, रिबॉन्डिंग, हेयर स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट या फिर कैराशाइन ट्रीटमेंट, वॉट एवर यू वॉन्ट, जस्ट टेल अस एंड वॉट इज़ योर हेयर प्रॉब्लम, उसके अकॉर्डिंग ये खुद भी आपको सजेस्ट करते हैं। तो मैंने इनको बताया कि मेरे बालों की जो मेन प्रॉब्लम है वो है फ्रीजीनेस, मीन्स आगे आप देख रहे हो ना ये फ्रंट में फोरहेड के ऊपर जो छोटे छोटे से बाल हैं जिनको बेबी हेयर बोलते हैं, ये मेरी मेन प्रॉब्लम है। तो इन्होंने बोला कि देखो ये जो बेबी हेयर हैं जो बहुत ही छोटी लेंथ के हैं उसके ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये थोड़े टाइम के बाद भी ऐसे ही हो जाने हैं। और अगर हमने ज़्यादा छोटे हेयर पर ट्रीटमेंट दिया, मीन्स कोई केमिकल अप्लाई किया, तो ये आपके हेयर को ज़्यादा डैमेज कर देगा, इसलिए हम ज़्यादा छोटे हेयर पर कोई भी केमिकल अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बट येस, कुछ टाइम के लिए इसको मैनेजेबल कर सकते हैं और आपके जो बैक साइड में जो ज़्यादा फ्रीजीनेस है वो डेफिनेटली मैनेज हो जाएगी, ये सब कुछ इन्होंने मेरे को बताया। फिर मैंने इनसे डिस्कस किया कि मेरे को अपने हेयर में कलर भी लेना है। देन गाइज, मुझे पता चला कि कलर का जो बेसिक प्राइस है, मतलब अगर आप ग्लोबल लेते हो तो 5 से 5,500 का रेट है। उसमें अगर आप जैसे अभी वालियाज बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं दिल्ली में स्पेशली, तो वालियाज का अलग से 3,000 ऐड हो जाता है। हाइलाइट्स लेना चाहते हो तो उसका अगेन 3,000 ऐड हो जाता है। तो मतलब केवल कलर कलर के ही 8,000 तक रुपीज़ थे। हेयर स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट मैं लेने की सोच रही थी जिसका अगेन 5,500 चार्जेस थे। मैंने इनको बोला कि आप एक बार पहले मुझे दिखा दो कि कौन से कलर्स, मतलब जो मेरे जो मेरी स्किन टोन पर। देखो अगर आपके ऊपर ये वाला कलर अच्छा लग सकता है, आपके हेयर पर ये कलर अच्छा लग सकता है, तो यही डिस्कशन चला। और फिर उसके बाद उसके जो प्राइस हम लोगों ने मतलब पूरा एक कॉम्बो पैक बनवाया, तो उससे मेरे को आइडिया लगा कि यार वाकई में कितना ज़्यादा खर्चा आने वाला था। इन्होंने मेरे को मतलब देखो अगर आप किसी सैलून में जाते हो ना बड़े सैलून में, तो ये आपको वन ट्रीटमेंट दे देंगे, फिर उसके बाद बोलेंगे कि देखो अगर आपने ये ट्रीटमेंट लिया है इसके बाद आपको ये साइड इफ़ेक्ट्स होने वाले हैं, तो अभी आपको ये ट्रीटमेंट और लेना पड़ेगा, अभी आपने ये ले लिया तो ये और लेना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको बाद में आना पड़ेगा अलग अलग से ट्रीटमेंट्स लेने के लिए। तो मैंने सारी कॉस्ट यहीं पर इनसे मतलब मिनिमाइज़ करवाई। तो इन्होंने मेरे को बोला कि जैसे अगर आप हेयर स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट लेते हो उसके बाद आपको कैरेटिन या फिर बोटॉक्स लेना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम हेयर स्ट्रेटनिंग करते हैं, केमिकल अप्लाई करते हैं, तो ये बालों को डैमेज करता है, और उस डैमेज को बचाने के लिए या तो आप हर मंथ आकर स्पा लो, जो अगले 6 महीने तक आपको हर मंथ लेने ही पड़ेंगे, अदरवाइज़ आपके बाल झाड़ू जैसे होने वाले थे, तो इसलिए बोटॉक्स या कैरेटिन लेना भी कंपलसरी था। मैंने फिर बोला इनको कि आप मेरे को एक पूरा पैकेज बनाकर दो, तो इन्होंने जो मेरे को पैकेज बनाकर दिया दैट वाज लाइक 15,000। सबसे पहले आप स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट करो, आपकी हेयर स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट करो, उसके क्या चार्जेस रहेंगे? उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद कलर करेंगे। कलर के क्या चार्जेस रहेंगे? उसके अंदर जो इंस्टा पेज पे जो प्राइजेस पड़े हुए हैं वो बेसिक चीजों के प्राइस पड़े हुए तो यहाँ पर मैंने उनको पूरा बजट बनाकर देने के लिए कहा जो था 15,000। सो आई जस्ट शिफ्ट स्विच टू द दिस हेयर मास्टर सैलून अगेन, एक बहुत ही बड़े सैलून में मैं गई। ये मेरा एक बचपन का ड्रीम था कि इतने बड़े सैलून में जाकर मैं कुछ करवाऊँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो नीचे सारा मेंस सेक्शन है भाई, मेंस भी ना, कोई फेशियल करा रहा था, कोई मैनीक्योर, कोई पेडीक्योर, ये देखकर मैं तो शॉक दे दी गई यार, मेंस भी इतना सब कुछ कराते हैं। सो आई वॉज़ लाइक कि चलो एक ट्रीटमेंट लेना है तो ले ही लूँगी। तो ये रजत भैया हैं,
जिन्होंने मतलब मेरे को पूरा आगे असिस्ट किया। वैसे एक बात है कि अगर आप किसी भी ब्रांडेड सैलून में जाते हो तो वो आपको सही एडवाइस देते हैं, तो ये जो रजत भैया हैं इन्होंने ही मेरे को पूरा असिस्ट किया। मतलब मेरा मन था कलर करवाने का भी, बट लास्ट में वो आइडिया ड्रॉप हो गया। क्यों हुआ वो आप आगे इस वीडियो में इन भैया से ही सुनना, वो आपको एक्चुअल इसका जो रीज़न है वो बताएंगे। सो प्लीज़ इस चीज़ को काफ़ी ध्यान से सुनो ताकि आपको आइडिया लगे अगर आप नेक्स्ट टाइम कोई ट्रीटमेंट लेने वाले हो तो। इसी बिहार में आपको ये समझा रहा हूँ कि बेसिकली अगर आपको अगर सपोज ऑफ दैट यू गो फॉर ओनली फॉर स्ट्रेटनिंग एंड केराटिन तो केराटिन इट्स लाइक बेस्ट ऑप्शन। अदरवाइज अगर आपको कलर कराना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू गो फॉर कलर देन अकॉर्डिंग टू यू। बेसिकली आप अगर कराना चाहते हैं कि मेरे को हाईलाइट चाहिए, ग्लोबल चाहिए या बालियां चाहिए तो फर्स्ट थिंग अबाउट टू कलर देन सेकेंड ऑप्शन टू केराटिन। पहले कलर ही होगा अगर आपको सिर्फ ग्लोबल कराना है, सिर्फ ग्लोबल के साथ मैं केराटिन कर दूंगा अभी आपकी एंड टू एंड। अगर आपको लगता है कि मैं पहले कलर कराना चाहती हूँ, कलर करा के अपने बालों को देखना चाहती हूँ तो क्योंकि केराटिन और केराटिन के अंदर 1% जो है हमारा कलर कहीं ना कहीं लिफ्ट करता है डाउन की तरफ, डिपेंड करता है कलर क्या है। तो जैसे क्या चार्जेस रहेंगे अगर जैसे मैंने कोई कलर लिया इसमें और उसके बाद में जो आप ट्रीटमेंट बोल रहे हैं? देखो अगर सिर्फ आपको ग्लोबल कराना है तो 5,000 रुपीज़ का ग्लोबल है मेरे पास। अगर आपको हाईलाइट या कराना है तो फिर वो कॉम्बो बनता है, फिर हम लोग 8,000 देते हैं वैसे प्लस ओनली फॉर बालियज का जो प्राइस है वो 6,500 रुपीज है। अगर आप ग्लोबल के साथ कराना चाहेंगे तो उसमें आपका ग्लोबल का कम हो जाता है फिर बालियज का हम लोग एड ऑन कर देते हैं, क्योंकि ना एक साथ हम लोग इतना बड़ा पैकेज नहीं दे सकते, जो मिनिमम टू मिनिमम प्राइस होता है वही हम लोग क्लाइंट से पे करा। तो मतलब इसमें आपका कॉम्बो बन जाएगा, इसमें आपका वही है ये आपका पड़ता है 80-60 आपका कैश एंड ट्रीटमेंट का पड़ेगा। इसको राउंड फिगर कर दूंगा मैं 8,000 और इसका राउंड फिगर कर दूंगा मैं 13,500। इसमें आपका एक हेयर कट इंक्लूड रहेगा, आपका बेसिकली जितना भी केयरिंग ट्रीटमेंट रहेगा हम लोग जब आपको फर्स्ट वॉश के लिए बुलाएंगे तो उसमें हम लोग डीप कंडीशन प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं तो वो भी आप पैसे मैटर करा दूँगा। तो जो भी स्कैल्प पे कोई भी डेंटर वगैरह हो तो उसको भी लिमिटेड कर दूँगा। वो बाद में हो सकता है, 3 महीने रुकना पड़ेगा आपको इसके लिए, 3 महीने रुकना पड़ेगा एकदम से, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज पे पे आउट कर रहे हो तो एकदम से हम लोग चेंज थोड़ी ना करेंगे, आपका भी पैसा पर्सनल ले लेते हैं, ऐसा तो नहीं हम लोग पैसा कहीं से। आपके लिए जो फाइनल प्राइस होगा 6,000 प्लस जीएसटी होगा। एक्चुअली पता है कि लेंथ पे डिपेंड करता है ना कि लेंथ आपकी ऑलमोस्ट शोल्डर से नीचे है, उसके हिसाब से थोड़ा सा हम लोगों को पे आउट करना पड़ता है। इससे बेसिकली मेरे हाथ में भी नहीं है क्योंकि कंपनी ऑन रोल है, सब चीजें आपको जनरल मिलेगी, सब चीजें आपके सामने रखी जाएगी, कोई चीज ऐसे अंडर टेबल हम लोग यूज नहीं करते हैं, सब चीजें जो भी होगा आपके सामने कॉमन होगा। 6,000 डाउन फिगर हो नहीं सकता, एक्चुअली क्या दो ट्रीटमेंट होंगे तो दो ट्रीटमेंट का इक्वल प्राइस कैसे लगता है? तो मतलब कितना हो गया बताइए? 7,000 हो गया। चलिए ठीक है, कर दीजिए स्टार्ट। जब कलर लगता है ना तो वहां पर एक प्रोडक्ट होता है, क्योंकि दो प्रोडक्ट एक साथ ना जुड़ नहीं सकते, कुछ बेसिकली प्रोटोकॉल होते हैं प्रोडक्ट्स के, वो एक साथ कॉम्बो नहीं बना सकते अपना, यानी कि एक मैन में दो तलवार नहीं रह सकती। जैसे उसी तरीके से हमारे दो प्रोडक्ट एक ऐसे प्रोडक्ट है जो कलर के साथ स्मूथनिंग का प्रोडक्ट एड ऑन नहीं हो सकता है, वो अगर एड ऑन कर दिया तो बालों को कहीं ना कहीं आपके डैमेज पोजिशन की तरफ कोई हो जाएगा, तो वो चीज हम लोग चाहेंगे नहीं। केराटिन इट्स लाइक द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि अगर आपको ग्लोबल कराना है तो यू गो फॉर ग्लोबल वन देन केराटिन, अगर हाईलाइट कराना है तो फिर केराटिन ठीक है। ठीक है, ठीक है मैम।